अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं जल्द रम विलाग। इस वक्त मैं बलूचिस्तान ज़्यारत की तरफ जा रहा हूँ, मैं डेरा गाज़ी खान में मौजूद हूँ। मेरा सफ़र जहाँ से थोड़ी देर बाद अब शुरू होने वाला है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से तैयार होकर कैसे जा रहा हूँ और ये आगे की जो रुदार है वो मैं आपको बाद में शेयर करता रहूँगा। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, एंड तक देखते रहिएगा। ये देखें जी, ये मेरा बैग जिसमें मैंने कुछ सूट शूट डाले हुए हैं, कुछ पंक्चर का सामान है और हवा भरने के लिए वो सिंपल सा एक पंप भी है मेरे पास। ये जी अल्लाह खैर, ये आगे मेरी बाइक, ये आपको दिखाता हूँ। ये 125 पे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। ये मेरी बाइक है। इस वक्त ये डेरा गाज़ी खान में मैं मौजूद और यहाँ से बस अब थोड़ी देर में ही मैं यहाँ से रवाना हुआ चाहता हूँ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये बाइक को चाबी लग गई, अभी जो है ना बिस्मिल्लाह करते हैं इस पर। और ये बैग ये मैंने अपने फ्रंट पे रखना है सामने, इसको मैंने फिर फंसा देना है इधर स्टीयरिंग में। ये मैं तैयारी मुकम्मल कर लूँ, बैग मेरा फंस जाए यहाँ पे। हाँ जी, तो ये निज़ाम हो गया फाइनल। अभी मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, आप भी दुआ कीजिए। तो बाकी अपडेट आपको बाद में आगे देता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يا الله خير اوه اس کا تو سیکورٹی الارم لگا ہوا ہے پہلے یہ اتار لو ہاں جی ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی میں یہ چل پڑا انشاءاللہ پھر आपको मुकम्मल इसके। आप ये देखें, टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में इधर से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। फोर्ट मिंड्रू जनूबी पंजाब का मरी, ये एंजॉय करने गए थे ईद को, अभी ये वापस आ रहे हैं और कुछ उधर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम सरवर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर के फासले पर हैं और पहाड़ भी सभी सरवर से शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त सभी सरवर हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ते जाते हैं, इधर ये रोड जो जा रहा है ये रोड रोंगिन की तरफ जाता है और जाक बैटाप, और ये सीधा रोड जो जा रहा है ये फोर्ट मिंड्रू की तरफ जा रहा है। इधर ये रोड मुबारकी टाप, मट चांडिया, जाक बैटाप और रोंगिन पोस्ट की तरफ ये रोड, और ये सीधा ये रोड ये फोर्ट मिंड्रू और बलूचिस्तान को ये रोड निकल जाता है। ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम सखी सरवर शहर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर मलंगे का डेरा, मंगले का डेरा एक होटल है, चाय का, यहाँ पर हम चाय पियेंगे, चाय को एंजॉय करेंगे, बेहतरीन चाय मिलती है यहाँ से, ठंडा पानी पियेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे। अभी चाय पीते हैं यहाँ पे। इस वक्त हम सखी सरवर को क्रॉस कर चुके हैं और ये बाब है फोर्ट मिंड्रू। आगे रोड को ही पर पुल बना हुआ है, मिछावन रोड को ही। जब ये पुल नहीं बनी थी तो उस वक्त यहाँ पे बहुत सैलाब के मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, गाड़ियाँ फंस जाती थी, पानी फिर उनको भाग कर ले जाता था। बाद औकात यहाँ पे कैजुअल्टीज भी हुई है। तो ये मिठावन का पुल
साथ रहिए। काफ़ी तादाद में ट्रक मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं ठंडा को। अभी ये ठंडा एरिया शुरू हो गया, यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि कितने टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। ये अक्सरियत अब वापस आ रही है क्योंकि कल से दफातर ओपन हो रहे हैं, स्कूल भी खोल रहे हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। ये ईद का मौका है, ईद उल फितर का 2022। तो ये आज ईद का तीसरा दिन है, कल से फिर स्कूल भी खुल जाएंगे और दफातर भी, इसलिए ये वापसी कर रहे हैं। बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद वापस हो रही है। रास्ते में मैंने देखा कि ये नौजवान अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बाइक लिए साइड पे खड़े हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी बाइक के साथ कुछ इशू है। मेरे पास का सामान था इसलिए इनकी बाइक को पंच लगा रहे हैं। अभी हम ये पंक्चर लगा के फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। पंक्चर लग रहा है, पंक्चर लगाने के बाद फिर आगे वाला होगा। वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है, देखिए ज़रा ट्रैफिक जाम। इधर ये बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़, कोट मेंडरू जाने के लिए 10-12 किलोमीटर। इस वक्त हम गिरजो स्टील पुल पर पहुँच चुके हैं। ये सामने स्टील पुल, एशिया का एक बहुत बड़ा पुल, खूबसूरत तरीन पुल, जिसने फोर्ट मेंडरू का रास्ता, बलूचिस्तान का रास्ता बहुत आसान कर दिया। इस वक्त हम उस पुल के पास पहुंचने वाले हैं। ये पुल से कुछ पहले यहाँ पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट बने हुए हैं। ये पुल आप सामने देख रहे होंगे, सामने ये बहुत ज़्यादा रश है टूरिस्ट का। अभी तो गर्मियों का आगाज़ है, मौसम फिलहाल इतना गर्म नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए सामने आपके स्टील पुल के खूबसूरत मनाज़िर। इस वक्त स्टील पुल के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, देख लीजिए ऐसे ये पुल बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन पुल। और एक पुल बिल्कुल मेरे ऊपर बना हुआ है, दूसरा सेक्शन का, ये आपके सामने दूसरा सेक्शन। मेंडू स्टील पुल पर बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त, काफ़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। फोर्ट मेंडू पहुँच चुका हूँ, ये फोर्ट मेंडू का बाईपास का रास्ता है और इधर वो रास्ता सीधा फोर्ट मेंडू जाता है और ये रास्ता खैर बाजार से होते हुए फिर फोर्ट मेंडू की तरफ निकल जाता है। अगर सीधे चले जाएं तो ये क्वेटा बलूचिस्तान का रास्ता है और लोरालाई मेख्तर रकनी सब इसी रास्ते से आते हैं। ये जी वेलकम टू फोर्ट मेंडू। ये वाला रास्ता फोर्ट मेंडू की तरफ, ये खर बाज़ार से होते हुए ये खर है, ऊपर वो फोर्ट मेंडू पहाड़ पे शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो मैंने इस रास्ते से जाना है। इधर से होते हुए फिर आगे जाऊंगा मैं। यहाँ से पंजाब का एरिया ख़त्म हो रहा है और आगे बलूचिस्तान का एरिया शुरू होगा। तो मैं अभी बलूचिस्तान में दाखिल होने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं।
इस वक्त मैं बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका हूँ, पंजाब बाय बाय। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की नेक्स्ट एपिसोड वो आपको दिखाऊँ इसके बाद। तो ये फर्स्ट एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पे बलूचिस्तान वाली होगी।